हेलो गाइस, ऑप्टिकल रेसिस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, सिलिंड्रिकल पावर को आप न्यूट्रलाइज कैसे करें और एक्सिस आप कैसे लगाएं वो मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो पिछले बहुत सारा वीडियो में मैं बताया कि एक्सिस आप कैसे लगा सकते हैं और पावर को भी कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, फिर भी बहुत सारा कमेंट आया कि सर और वीडियो बना दो आप, ताकि हम लोगों को समझ में आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सिलिंड्रिकल पावर न्यूट्रलाइज करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने -1 सिलिंड्रिकल पावर ले लिया है। आप देख सकते हैं लिखा है। चलिए मैं पैकेट निकाल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, गाइस सिलिंड्रिकल पावर में क्या होता है, आप ऐसे लेंस को पकड़ोगे और ऐसे घुमाओगे तो आप देख सकते हैं रोटेट हो रहे है। पीछे के बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है सिलिंड्रिकल पावर। और स्फेरिकल में ऐसा नहीं होता, स्फेरिकल में ऐसे आप करोगे तो पीछे के बैकग्राउंड आगू और पीछू होगा, लेकिन ऐसे रोटेट करोगे तो वो ऐसे मतलब पीछे का बैकग्राउंड भी ऐसे रोटेट नहीं होता है स्फेरिकल पावर में। तो सिलिंड्रिकल पावर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे रोटेट होता है। अभी मुझे ये लेंस को न्यूट्रलाइज करना है, तभी जाके मैं एक्सिस लगा पाऊँगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, पैकेट में क्या लिखा है -1 सिलिंड्रिकल पावर। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे चाहिए +1 सिलिंड्रिकल ट्रायल लेंस, ठीक है। तो चलिए मैं वो ट्रायल लेंस निकाल के चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये प्लस सिलिंड्रिकल पावर है, +1 इधर लिखा हुआ है। तो मुझे ये सिलिंड्रिकल पावर ले लेना है। गाइस आप देख सकते हैं ट्रायल लेंस ऐसे होता है सिलिंड्रिकल वाला, इधर एक मार्क रहता है, इधर एक मार्क रहता है। गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको लेंस को ले लेना है, ठीक है। लेंस के ऊपर ये जो ट्रायल लेंस है आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऐसे होल्ड किया है, ये बीच का हिस्सा आप देख सकते हैं गैप है, नहीं तो लेंस क्रैच हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अभी इस लेंस को मतलब ट्रायल लेंस को आपको ऐसे घुमाना होगा, ठीक है। तो कैसे घुमा, मतलब ऐसे तो घुमाना होगा लेकिन ऐसे रखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ऐसे आपको होल्ड करना है लेंस, ट्रायल लेंस को और लेंस को, ठीक है। अभी इसी एक आंख से आपको ऐसे रोटेट करते जाना है लेंस को, तभी आप लोगों को दिखाई देगा कि कौन सा एंगल में क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसी एंगल में मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी ऐसे रोटेट करूँगा तो पीछे का बैकग्राउंड भी रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब इसी एंगल में न्यूट्रल हो गया। गाइस +1 सिलिंड्रिकल ट्रायल लेंस लेके फिर भी आप लोगों को ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब फिर भी आप ऐसे घुमाओगे तो रोटेट हो रहा है, मतलब ये +1 मतलब -1 पावर ये नहीं होगा, ठीक है। आपको ट्रायल लेंस का जो पावर है सिलिंड्रिकल वाला वो आपको थोड़ा ज़्यादा या कम दे के भी आप चेक कर सकते हो क्या कौन सा पावर में न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा लेंस में पावर कम ज़्यादा रहता है। पैकेट में तो लिखा रहता है -1 सिलिंड्रिकल पावर, फिर भी आप लोगों को चेक करना है ये -1 सिलिंड्रिकल पावर है या नहीं, आपको एकदम एक्यूरेट पावर चेक करना है। तो ये पावर तो बराबर ठीक है, रोटेट भी नहीं हो रहा है, एकदम न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इसी एंगल में न्यूट्रल हुआ है, तो चलिए दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इसी एंगल में मेरा लेंस जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ है। तो ट्रायल लेंस के ऊपर ये मार्क आप देख सकते हो, ये गोल्डन कलर का। इसी एंगल को आपको ऐसे पकड़ना है और लेंस के ऊपर ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। मतलब ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। मैं एक बार मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिया है। अभी ये ट्रायल लेंस बिठा कर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसी एंगल में रखने के बाद ये जो गोल्डन कलर का ऊपर का मार्क देख रहे हैं, ये बराबर जो मैंने मार्क किया है ऐसे रखना है, और पीछे का बैकग्राउंड आपको चेक करना है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऐसे घुमाया, फिर भी ये पीछे का बैकग्राउंड रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है, और आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं हो रहा है, मतलब ये सिर्फ सिलेंड्रिकल पावर ही है, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल पावर न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर भी पीछे का बैकग्राउंड ऐसे करोगे तो आगे पीछे हो रहा है, मतलब इसके अंदर स्फेरिकल पावर भी है, मतलब ये कंपाउंड पावर भी कंपाउंड पावर है, ठीक है। आप लेंस का ऐसे चेक करके सभी देख लेना है, चेक कर लेना है कि बराबर है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रलाइज। अभी क्या करना है, अभी एक्सिस लगाना है। तो चलिए एक्सिस लगा के भी दिखा देता हूँ। तो इन न्यूट्रल पॉइंट को ही गाइस अभी इसी एंगल को ही आपको एक्सिस लगाना है। तो चलिए दिखा देता हूँ गाइस। पहले तो आपको ऐसे एक्सिस मार्किंग चार्ट लेना है, और एक मार्कर तो चाहिए, ठीक है। आप इसी लेंस को, ये जो मार्क किया है अभी, इसको एक्सिस लगाना है। एक्सिस सिर्फ सिलिंड्रिकल पावर में ही होता है, स्फेरिकल पावर में कोई एंगल वगैरह कुछ नहीं होता, तो उसका एक्सिस नहीं होता है उसका, ठीक है। सिर्फ सिलिंड्रिकल पावर में ही एक्सिस होता है। सिंगल विजन जो पावर होता है वो कोई भी एंगल में आप लगा सकते हो एक्सिस को, ठीक है। बाइफोकल में ऐसा नहीं होता, बाइफोकल में जो रेडी आता है 90 180, तो उस एंगल में आपको घुमा कर लगाना होता है। तो सिंगल विजन में क्या होता है, ये जो एंगल मैंने मार्क किया है, ये जो एंगल है, ये न्यूट्रलाइज पॉइंट है, तो इसको मैं कोई भी एंगल में लगा सकता हूँ। प्रेक्सिप्शन में अगर रहेगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री में भी हो जाएगा एक्सिस, और प्रेक्सिप्शन में अगर रहेगा 140 डिग्री में भी ये हो जाएगा एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी एंगल में मैं आप लोगों को एक्सिस लगा के दिखा देता हूँ। मैं 40 डिग्री एंगल में आप लोगों को एक्सिस लगा के दिखा देता हूँ। ये जो न्यूट्रलाइज पॉइंट है, ठीक है, इसको आप 40 डिग्री एंगल जो है आप देख सकते हैं, ये 40 लिखा हुआ है और इधर ये 40 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे रखना है लेंस को 40 के बराबर, ये जो रेखा है इसको ऐसे रखना है। मैं पास लेके भी दिखा देता हूँ, ये जो रेखा है 40 डिग्री की रेखा है, आप देख सकते हैं ये लंबा लंबा, ये न्यूट्रलाइज जो पॉइंट है ये 40 डिग्री एंगल में बराबर रखना है। आप देख सकते हैं ये लेंस को एकदम सीधा होना चाहिए। अभी ऐसे ये रखने के बाद 180 में आपको मार्क कर देना है, मतलब कोई भी एंगल आपको लगाना होगा तो लगाइए पहले, ये रखने के बाद 180 में फिर आपको मार्क कर देना है। 180 का ये जो 180 लाइन है, रेखा है, आप देख सकते हैं ये रेखा के ऊपर बराबर आपको मार्क कर देना है, ठीक है। ऐसा आप देख सकते हैं मैंने 180 के ऊपर लाइन लगा दिया, कैमरे में इतना सीधा दिखाई नहीं दे रहा है, आप खुद जाके मतलब ट्राई करो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो 180 के ऊपर मार्क कर दिया, कोई भी एंगल हो, आपको 90 डिग्री एंगल में लगाना है तो न्यूट्रलाइज जो पॉइंट है वो आपको 90 डिग्री एंगल में रखने के बाद 180 का जो जिधर आ रहा है रेखा वो उसके ऊपर आपको मार्क कर देना है। 180 के ऊपर मार्क करने के मतलब किस लिए हम करते हैं, तो चलिए ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो मैंने 180 का एंगल लगाया, ठीक है, अभी इसको फ्रेम में तो फिटिंग करना होगा ना, इसीलिए ये 180 का लाइन लगाते हैं हम,
गाइस आप देख सकते हैं ये जो फ्रेम के ऊपर मैंने एक मार्क किया है, स्ट्रेट लाइन किया है, ये 180 का एंगल रहता है। ठीक है, ये जो एंगल, ये जो मार्क किया है मैंने, ठीक है, अब मैं निकल के दिखा देता हूँ। ये जो मार्क है आप कैसे लगा सकते हैं, मैं इसका भी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा, तो उधर जाके भी आप देख सकते हो। ये जो 180 का लाइन है और ये जो लाइन है, इसको बराबर ऐसे रखना होता है, इसीलिए 180 का लाइन मतलब डेमो के ऊपर 180 का स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ ताकि ये बराबर मार्क किया जा सके। अब देख सकते हैं ये बराबर लाइन मैंने डेमो के ऊपर बिठाया, फिर जाके आप ऐसे मार्क कर सकते हो। ऐसे आप एक्सिस लगाओगे तो एकदम परफेक्टली एक्सिस होगा, मतलब ये 40 डिग्री का एक्सिस हो गया। अभी इसको कटिंग करके आप फिटिंग कर सकते हो। ये तरीका आप लोग आजमाओगे तो ये बराबर से एक्सिस आपको मिलेगा, मतलब फिटिंग भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्पेक्ट्रल के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं।